आज मैं बात करने वाला हूं सेंसर के थ्रू हम कॉन्टेक्टर को किस तरह से होल्ड कराएंगे कि हमारे सामने कोई मेटल आता है वो सेंसर सेंस करे और कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाए। तो किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले हम एक एक मटेरियल को समझ लेते हैं। जो हमारा ये सेंसर है, ये देखिए टू वायर सेंसर है। मार्केट में तो कई कंपनी का सेंसर उपलब्ध है, टू वायर, थ्री वायर, फोर वायर, तो पीएनपी, एनपीएन कई कंपनी का उपलब्ध है। तो ये जो सेंसर है ये मेटल को सेंस करता है, टू वायर सेंसर है और ये एसी सेंसर है। ये देखिए एसी एनओ और ये एनओ सेंसर है। इसमें एनसी सेंसर भी आता है। एनसी और एनओ सेंसर में क्या डिफरेंट होता है मैं ऑलरेडी वीडियो बना के डाल चुका हूं इसके बारे में। तो ये हमारा एसी और एनओ सेंसर है। इससे हमको कॉन्टेक्टर को होल्ड कराना है जिसमें मैं टू चेंज ओवर रिले लिया हूं। टू चेंज ओवर रिले, रिले के बारे में सबसे पहले हम लोगों को तो हर पॉइंट पता होना चाहिए कि हमारा रिले काम कैसे करता है, इसमें कॉमन एनओ और एनसी पॉइंट क्या होता है और वर्क कैसे करता है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब पे बना के डाल चुका हूं। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूं, वहां से जाकर देख सकते हैं। वो वीडियो देखेंगे तो आपको एक कभी भी रिले पे ये जो डायग्राम बना है कॉमन एनओ एनसी देखते हैं, हमेशा रिले उठा के देखना पड़ता है कि कौन सा नंबर हमारा कॉमन है और कौन सा नंबर एनओ है और कौन सा नंबर एनसी है। वो वीडियो देखने के बाद आपको ये रिले का ये डायग्राम कभी देखना ही नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट इसमें नंबरिंग देखेंगे, उसके बाद कनेक्शन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो हमारे पास एसी सेंसर, टू वायर सेंसर है जो एनओ सेंसर है। इसके थ्रू मान लीजिए इसके सामने कोई मेटल आए उस समय हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड होना चाहिए। तो कैसे कनेक्शन करेंगे, सबसे मेन बात हम लोगों को ये जान लेना चाहिए। इस पे देखिए डायग्राम बना है, ब्राउन पॉजिटिव और ब्लू निगेटिव। ये ब्राउन पॉजिटिव और ब्लू निगेटिव ऐसा नहीं कि हम मेन सप्लाई में फेस और न्यूट्रल दे दें, फेस न्यूट्रल जैसे ही देंगे वैसे हमारा सेंसर खराब हो जाएगा। जो सेंसर वर्क करता है सीरीज में वर्क करता है। कैसे काम करेगा, कैसे कनेक्शन करेंगे मैं करके लाइव दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं एक वायर ले लेता हूं, ये देखिए मैं ब्लैक वायर ले लिया। तो मैं इसका कनेक्शन करता हूं। तो ये देखिए सबसे पहले हम लोग को रिले पता है 13 और 14 नंबर क्या होता है, हमारा क्वाइल होता है। तो मैं 14 नंबर पे न्यूट्रल दे देता हूं इस पे, यहां पे। मैं न्यूट्रल कनेक्ट किया। सबसे पहले जब हम लोग वायरिंग करेंगे जो हमारा कॉमन होगा उसको हम लोग कॉमन कर देंगे कॉन्टेक्टर को। कॉन्टेक्टर के बारे में तो हम लोगों को पता ही है, A1 और A2 हमारा क्वाइल होता है। तो इसमें मैं न्यूट्रल दे देता हूं। यहां से कुछ इस तरह से ये मैं बताने के लिए वैसे ही कर दे रहा हूं। कभी भी हम वायरिंग करेंगे तो प्रॉपर तरीके से थिम्बलिंग करके करेंगे। तो मैं A2 पे न्यूट्रल दे दे रहा हूं। तो हमारा देखिए इसमें आ गया, रिले में आ गया हमारा न्यूट्रल, उसके बाद कॉन्टेक्टर में आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, मेन सप्लाई में ले जाएंगे। इसको हम मेन सप्लाई में ले जाएंगे इधर से, ये मेन सप्लाई में ले जाएंगे। ये हमारा न्यूट्रल का कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग फेस कैसे दौड़ाएंगे, इसमें देख सकते हैं दो वायर है, एक हमारा ब्लू वायर है और एक ब्राउन वायर है। ब्राउन वायर को या ब्लू वायर को जो भी आपको कनेक्ट करना हो एक इस पे कनेक्ट कर देंगे क्वाइल पे। ये जो रिले का क्वाइल 13-14 नंबर होता है एक पे हम ये कनेक्ट कर देंगे। रिले का क्वाइल ये जो होता है 13 और 14 नंबर, तो 13 नंबर पे मैं एक वायर सेंसर का कनेक्ट कर दूंगा। तो मैं ब्राउन वायर कनेक्ट कर दिया हूं। अब हमारा ये ब्लू वायर बचा है, ब्लू वायर को हम लोग किस तरह से कनेक्ट करेंगे, इसमें मैं एक वायर जोड़ दे रहा हूं, ये देख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम सप्लाई में दे देंगे। हमारा ये न्यूट्रल आ रहा है, इससे हमारा फेस ब्लू वायर में जाएगा, ब्लू से फिर हमारा ब्राउन से ये रिले होल्ड हो जाएगा। तो ये
मैं यहाँ सप्लाई देके चेक करता हूँ। ये देखिए हमारा सप्लाई आ रहा है, देख सकते हैं अभी ये लाइट ग्लो कर रहा है, देख सकते हैं, ये देखिए, ये देख सकते हैं। जैसे ही इसके सामने कोई मेटल आ रहा है सेंसर के सामने, यहाँ से देख सकते हैं सेंसर में भी लाइट इंडिकेटर लगा है पीछे, ये देखिए हमारा सेंसर का लाइट ग्लो किया। जैसे ही इसके सामने मेटल आया, ये हमारा रिले होल्ड हो रहा है। हमारा सेंसर का कनेक्शन कुछ इस तरह से किया हूँ, देख सकते हैं, पर मैं ब्राउन वायर कनेक्ट कर दिया हूँ रिले में। उसके बाद ब्लू बचा हमारा, ब्लू एक वायर यहाँ से जोड़कर मैं डायरेक्ट मेन सप्लाई में लगा दिया हूँ। हमारा न्यूट्रल जो है ये 14 नंबर पे हमारा देख सकते आ रहा है और कॉन्टेक्टर के क्वाइल पे आ रहा है। तो हम इसमें फेस किस तरह से कॉन्टेक्टर में देंगे तो इसको समझ लेते हैं। तो मैं सप्लाई बंद कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं कनेक्शन करके दिखाता हूँ। अब हमें हमारा सप्लाई आ गया, हम चेक कर लिए। अब हमको कॉन्टेक्टर को होल्ड कराना है। हमारा निगेटिव सप्लाई जा रहा है, न्यूट्रल जा रहा है, अब हमको फेस देना है। फेस किस तरह से देंगे तो हमारा सबसे पहले हम कॉमन पे फेस देंगे। इसमें हमारा जो 9 और 12 रिले में होता है एक कॉमन पॉइंट होता है, जिसमें हमारा ये रिले पे यहाँ पर फेस आ रहा है, यहाँ पर हमारा सेंसर के थ्रू फेस आ रहा है। तो वहाँ से हम एक लूप बनाएंगे, एक लूप बनाएंगे यहाँ से, मैं यहां से देख सकते हैं, यहां से एक लूप बनाएंगे, यहां से दोनों वायर एक साथ में, यहां से लूप बनाएंगे, यहां से दोनों वायर एक साथ में करके कुछ इस तरह से कनेक्ट करेंगे। देख सकते हैं, उसके बाद हम एक पॉइंट को जो है यहाँ से 12 नंबर हमारा कॉमन पॉइंट है, ये 12 नंबर पे दे देंगे। कॉमन पॉइंट 12 नंबर है हमारा, ये 12 नंबर पे कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए अब हमारा निगेटिव तो इसमें आ रहा है, अब जो फेस है हमारा रिले पे आया, रिले से यहाँ से होके हमारा कॉमन पे जा रहा है। अब हमको जैसे ही इस सेंसर के सामने कोई टारगेट आता है, उसको ये सेंस करता है, उस समय हमारा ये कॉन्टेक्टर को होल्ड करना है। तो उस समय होल्ड करना है तो हमारा कनेक्शन किस में होगा, एनओ पे होगा या एनसी पे? तो एनसी पे नहीं होगा, क्योंकि हमारा कनेक्शन जो होगा वो एनओ पॉइंट पे होगा। एनओ पॉइंट पे इसलिए होगा, जैसे ही हमारा ये रिले ऑन होगा उस समय हमारा ये कॉन्टेक्टर होल्ड होना चाहिए। तो मतलब जैसे ही हमारा सेंसर के सामने कोई टारगेट, कोई मेटल या कुछ भी आता है वो सेंस करेगा, वैसे हमारा रिले ऑन होगा। रिले ऑन होते ही हमारा जो एनओ पॉइंट होगा वो एनसी बन जाएगा, और जो एनसी पॉइंट होगा एनओ बन जाएगा, उस समय हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड होना चाहिए। तो मैं एक वायर ले लेता हूँ, तो ये देखिए मैं एक वायर ले लिया हूँ। अब इसको मैं कहाँ से कनेक्ट करूँगा? ये 12 नंबर हमारा कॉमन पॉइंट, 12 नंबर का एनओ पॉइंट कौन है? 12 में से 4 माइनस करेंगे 8 नंबर, 8 नंबर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर है, ये जो हमारा है ये एनओ पॉइंट है। इसके बाद 4 फिर माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो जो 4 आएगा वो हमारा एनसी पॉइंट होगा। तो मैं 8 नंबर के में ये वायर कनेक्ट करता हूँ। तो ये देख सकते हैं मैं 8 नंबर में ये वायर कुछ इस तरह से कनेक्ट किया, ये देख सकते हैं। उसके बाद मैं इसको A1 क्वाइल पे दे दूंगा, A1 क्वाइल पे दे दूंगा कुछ इस तरह से हमारा, ये देख सकते हैं अब हमारा सीरीज बन के तैयार है। अब देखते हैं किस तरह से हमारा वर्क करता है। अब मैं सप्लाई ऑन करता हूँ, तो हमारा सप्लाई आ रहा है, लग के रेडी हो गया, हमारा जो सप्लाई है आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा लाइट ज़्यादा है तो हमें टेस्टर में दिखाई नहीं देगा, तो मैं दिखाता हूँ। एक हमारा सेंसर लगा हुआ है, जैसे ही सेंसर के सामने कोई मेटल आएगा, हाथ तो सेंस करेगा नहीं क्योंकि ये मेटल को सेंस करने वाला सेंसर है,
तो जैसे ही इसके सामने कोई मेटल आएगा उस समय हमारा ये रिले ऑन होगा और रिले ऑन होते ही हमारा ये कॉन्टेक्टर जो है ये होल्ड हो जाएगा। तो इसके सामने मैं ये देखिए टेस्टर को आगे करता हूँ। ये देखिए ये लाइट ग्लो किया, हमारा सेंसर का भी लाइट देख सकते हैं ग्लो कर रहा है। ये देखिए ग्लो किया, उसके बाद हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो जा रहा है। ये देखिए ये देख सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसी तरह से हमारा सेंसर काम करता है। तो हमारा ये जो सेंसर है टू वायर और एनो एसी सेंसर है, एनो सेंसर है। जैसे इसके सामने कोई मेटल आ रहा है सेंस कर रहा है उस समय हमारा ए रिले ऑन हो रहा है, उसके बाद हमारा कॉन्टेक्टर जो है ये होल्ड हो रहा है, देख सकते हैं। तो इसमें हमारा एनसी सेंसर भी आता है। तो एक बार हम सर्किट को दोबारा समझ लेते हैं, हमारा टू वायर एनो सेंसर एसी सेंसर, उसके बाद हमारे पास टू चेंज ओवर का रिले है जिसमें हमारा 13 और 14 नंबर कॉइल है, जब जिसमें मैं 14 नंबर को न्यूट्रल दे दिया हूँ और ए टू कॉन्टेक्टर पे न्यूट्रल दे दिया हूँ, इसको डायरेक्ट मेन सप्लाई में लगा दिया। उसके बाद किसी भी सर्किट को चलने के लिए न्यूट्रल और फेस चाहिए। अब इसमें फेस कहाँ से आ रहा है, हमारे सेंसर के में दो वायर हैं, एक ब्राउन और एक ब्लू। ब्राउन वायर को मैं इस पे कनेक्ट कर दिया और एक लूप बना के मैं 12 नंबर पे दे दिया। 12 नंबर जो है एक कॉमन पॉइंट है। तो दूसरा हमारा जो ब्लू वायर बचा, इससे मैं एक वायर कनेक्ट करके, देख सकते हैं यहाँ से एक वायर कनेक्ट करके डायरेक्ट मैं सप्लाई में दे दिया। तो यहाँ से हमारा फेस आ रहा है, ये हमारा न्यूट्रल आ रहा है। जैसे ही हमारा कोई टारगेट आता है और सेंसर सेंस करता है उस समय हमारा रिले ऑपरेट हो रहा है, उसके बाद एक कॉन्टेक्टर होल्ड हो जा रहा है। कॉन्टेक्टर कैसे होल्ड हो रहा है, यहाँ से हमारा देख सकते हैं ए एनओ पॉइंट है 8 नंबर, 12 नंबर कॉमन, 8 नंबर एनओ, एनओ पॉइंट से हमारा A1 पे सप्लाई जा रहा है। तो जैसे इसके सामने कोई मेटल आता है सेंस करता है उस समय हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा। कुछ हमारा इसी तरह से एनओ सेंसर वर्क करता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एनसी सेंसर का कनेक्शन कैसे करें और एनसी सेंसर काम कैसे करता है। और इस वीडियो में इतना ही जानें, फिर जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।